चुड़ैल का बाल विवाह। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो सिर्फ दो दिलों को नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है। इस रिश्ते की नींव भरोसे और विश्वास पर टिकी होती है, जो शादी के सात फेरों यानी सात वचनों में साफ झलकती है। लेकिन इन्हीं सात वचन को अगर आप सही से ना निभा पाए तो परिणाम घातक हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैं सात वचन को निभाने में पूरी तरह से फेल हो गया, जिसकी सजा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। इस बात को 10 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी इस घटना को मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शहर में अपनी दोस्त नेहा के साथ रहता था। शहर में बहुत शोर होने की वजह से नेहा अक्सर परेशान रहती थी। मैंने उसकी इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए शहर से दूर एक बड़ा सा घर खरीदा, पर मैंने उसको इस बारे में नहीं बताया। सोचा उसे सरप्राइज दूंगा, पर उसकी परेशानी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और एक दिन कैफेटेरिया में साथ में कॉफी पीते हुए मैंने उसे इस बारे में बताया। मुझे लगा कि वो बहुत खुश हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, क्या तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेते? सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद वो इतनी दूर रहने से थोड़ा झिझक रही होगी, पर मैंने जैसे तैसे उसको मना ही लिया। और फिर एक दिन हम अपना सामान पैक करके उस घर में आ गए। घर में नेहा को बहुत डर लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। लेकिन ये डर आने वाले तूफान का इशारा था। मुझे ये बात पता थी कि घर बहुत बड़ा होने की वजह से हमें किसी काम वाले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नेहा से कह दिया कि अगर कोई काम वाली मिले तो उसे काम पर रख ले। इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, हमारे वहां पहुंचने के कुछ घंटों बाद हमारे घर की डोरबेल बजी। मैं घर पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, इसलिए नेहा ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल की थी। उसने नेहा से कुछ बात करी और मैंने नेहा से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, वो उसका नाम नीलम है। मैंने उसे कम पैसों में हमारे घर काम करने के लिए रख लिया है। मुझे नेहा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसने इतनी छोटी सी बच्ची को काम पर रख लिया। लेकिन जब नेहा ने मुझे बताया कि उस लड़की को पैसे की बहुत जरूरत थी और उसका अपना कोई नहीं है, तो मेरा सारा गुस्सा दुख में बदल गया। मैंने नेहा से कहा कि उससे ज्यादा काम ना करवाए, उसे हम अपने घर में ही रख लेते हैं और कोई दूसरी काम वाली मिले तो उसे काम पर रख लेंगे। नेहा ने मेरी बात मान ली। मैं कुछ देर बाद बाहर बाजार से सामान लेने चला गया। रास्ते में चलते हुए मुझे सिर्फ नीलम का ही ध्यान आ रहा था। मैं जैसे ही घर वापस आया तो जो मैंने देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि नेहा कुर्सी पर खड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था जिसका दूसरा सिरा छत पर लगे हुए पंखे से बंधा था। मैंने फौरन भागते हुए उसको पकड़ा और उसे सही सलामत उतार कर बिस्तर पर लेटा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर पानी की छींटे मारी और उसको उठाने की कोशिश की। कुछ देर बाद नेहा ने अपनी आंखें खोली और बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बाथरूम में नीलम के साथ सफाई कर रही थी ना। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी? उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया और उससे आगे क्या होता। मुझे लगा कि वो बहुत थक गई है, इसलिए मैंने उसको कंबल उड़ाया और बाथरूम में चला गया। मैंने देखा कि नीलम चुपचाप साफ सफाई कर रही थी। मैं वापस नेहा के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से लाइट्स चली गई। मैं हड़बड़ाहट में कमरे में जाने ही लगा था कि मुझे लड़की की रोने की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि नीलम अंधेरे में डर रही होगी, इसलिए मैं वापस बाथरूम की तरफ जाने लगा। कुछ दूर चलने तक मुझे अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी दिखी। मैं उसके पास जैसे ही गया तो ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि मोमबत्ती एक चुड़ैल ने पकड़ रखी थी। मैं फौरन वहां से डर के मारे भागना चाहता था, पर चुड़ैल ने अपने हाथों से मेरे गले को पकड़ लिया। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे थे। तभी मुझे पीछे से नेहा की आवाज सुनाई दी, अमन
क्या तुम हो वहाँ पर? थैंक गॉड, तुम्हें कैंडल्स मिल गई। नेहा मेरी तरफ आ ही रही थी। मैं जैसे ही उसको वहाँ से भागने के लिए कहने वाला था कि लाइट्स आ गई, जिसके साथ ही चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन उसके हाथों से मेरी गर्दन पर चोट लग गई थी। नेहा फौरन मेरे पास आई और उसने मेरी चोट के बारे में पूछा। मैंने उसे चुड़ैल के बारे में नहीं बताया, सोचा कि वो बेकार ही परेशान हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने अपनी चोट का झूठा बहाना बनाकर बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब हम वहां पर और नहीं रुकेंगे, अगले ही दिन हम वहां से शहर चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी मुश्किलों का अंत तो इससे भी बुरा होने वाला है। मैंने अपना और नेहा का सामान पैक करा ताकि सुबह ही हम वहां से निकल जाएं। अगला दिन हुआ। मैं फौरन नेहा के कमरे में गया और देखा कि उसका चेहरा लाल पड़ा था। अमन, तुम प्लीज मेरे पास ही रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। वो बिल्कुल सही कह रही थी, पर काश उस समय मैं उसे समझ पाता। मैंने उससे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, पर जाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे ना जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने उसे जैसे तैसे मनाया और बाहर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। आसपास कोई डॉक्टर नहीं होने की वजह से मैं बुखार की कुछ दवाइयां लेकर वापस घर लौटा, तो जो मैंने देखा उस पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाया। मैंने देखा कि नीलम नेहा का गला दबा रही थी। नीलम, तुम क्या कर रही हो? नेहा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नीलम ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फौरन दौड़ते हुए उसके पास गया और उसका हाथ नेहा के गले से हटाने लगा, पर नीलम ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और जोरों से चीखी। उसकी चीख से मैं उड़ते हुए दीवार से टकरा गया। वो नेहा को छोड़कर मेरे पास आई और मैंने देखा कि नेहा हवा में उड़ रही थी। वो बार बार मदद के लिए मेरा नाम पुकार रही थी। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। देखते ही देखते नीलम उसी चुड़ैल में बदल गई जिसको मैंने पिछली रात को देखा था। क्यों अमन, तूने अपनी शादी क्यों नहीं निभाई? मैं वही नीलम हूँ जिससे तेरी बचपन में शादी हुई थी। हमारी शादी के कुछ साल बाद मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर मरने के बाद भी मैंने चुड़ैल बनकर तुझसे हमेशा प्यार किया। तेरी याद में मैंने कितने साल काट दिए, और तू इस बेवकूफ लड़की से प्यार करके उससे शादी करना चाहता है? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने चुड़ैल से बहुत रिक्वेस्ट करी कि उसे जो भी करना है वो मेरे साथ करे, पर नेहा को छोड़ दे। पर चुड़ैल ने मेरी एक नहीं सुनी और काले धुएं में बदलकर नेहा के शरीर में घुस गई। नेहा बुरी तरह से चीखी और बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। मैंने उसको उठाने की बहुत कोशिश करी, पर अब वो नहीं उठी। मैं बुरी तरह से रोने लग गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी नेहा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पर डॉक्टरों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या था। कई दिनों बाद उसने अपनी आंखें खोली, पर अब वो पहली वाली नेहा नहीं रही थी। उसने सबसे पहले जो कहा उसे सुनकर मेरे साथ खड़ा हुआ हॉस्पिटल का स्टाफ चौंक गया। उसने कहा, तुझे अपनी शादी निभानी होगी, तुझे अपनी शादी निभानी होगी। मेरी नेहा पागल हो चुकी थी। मुझसे उसकी वो हालत बिल्कुल भी नहीं देखी गई, पर मैं उसे सच्चा प्यार करता था। मैंने हॉस्पिटल में ही उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी करी। अब मैं दो बीवियों का पति बन चुका था, जिसमें से एक की आत्मा दूसरे के शरीर में रहती थी और दूसरे की आत्मा जो कहीं खो चुकी थी।